मैंने शूटर के लिए तंग कर रखा था, शूटर लेके आओ, मैंने उसके साथ वीडियोस बनानी है। मैं तो अमन निकालूं फिर मैं टाइगर वीडियो छोटा ही है अभी भी, कौन सा पड़ा है, मैं अब इसको निकालने लगा हूँ। अमन रेडी हो ना, ये तो चले जी ठीक है निकाल लेते हैं। कमेंट में बताना है कि ये कौन सी गाड़ी है। आपकी भी बारी आ जाए। मैंने दो से तीन बार ऐसा हुआ है कि मैंने लाइन कप गिफ्ट किया है। ये जी अब हम शोरूम के ऊपर वाले पोर्शन पे आ चुके हुए हैं। ये देखें अब मैं इसके शूटर के पास खड़ा हूँ। अहमद दूर है, अहमद साहब आ जाओ अब आओ जरा पास। अब मैं बल्कि पकड़ गया, चलो ना जाओ भाई, कुछ नहीं कहता कुछ नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ और मेरे साथ अहमद है। अहमद जो है ये मेरे एक दो व्लॉग में पहले भी मेरे साथ था, शायद आप इसको पहचानते हो। तो ये जो है ना, ये बड़ा मुझे जो है ना शूटर के लिए तंग कर रखा था, शूटर लेके आओ, मैंने उसके साथ वीडियोज़ बनानी है। मैंने इसको बड़ा समझाया, मैंने कहा यार आपके जो है ना काबू नहीं आएगा अब शूटर, तो इसलिए आप रहने दो। कहता नहीं जी चैलेंज करता हूँ मैं आपको, मैं शूटर को संभाल लूँगा। तो अब कहता क्या शूटर, मतलब मसला ही कोई नहीं इसके लिए, कोई मसला नहीं है ना आपके लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरह उसको शूटर को मिलता है और संभालता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बस से भी बाहर, अहमद कहता भाई मैं तो संभाल लूँगा। तो अब अंदर चलते हैं, बल्कि अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा शोरूम है। यहाँ पर किसी ने भी मुलाकात करनी हो तो शोरूम पे आके मेरे से मुलाकात कर सकता है। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में। तो आए जी अंदर, आपसे जो है ना अहमद की आपसे भी मुलाकात करवाते हैं शूटर की, और अहमद की भी शूटर से मुलाकात करवाता हूँ। क्योंकि मैं आया था, ये चेन मैंने शूटर के हाथ में रखी हुई है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आके शूटर को डायरेक्ट अंदर ही छोड़ दिया था। तो अब मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको और शूटर से मुलाकात करवाता हूँ। ये जी फाइनली हम जो है ना शोरूम के अंदर आ चुके हुए हैं, और अहमद का मैंने इम्तिहान लेना है। ये बड़े मुझे चैलेंज करता है, इसका मैंने इम्तिहान लेना है। तो अहमद निकालूँ फिर मैं टाइगर छोटा ही है अभी भी, कौन सा पड़ा है अभी यार छोटा ही है, मैं निकालूँ फिर। बल्कि मुझे याद है कि मैं जो है ना निकालने से पहले, अहमद को पकड़ाने से पहले, अब ये देखें बैठा जो है ना सॉरी खड़ा सोच रहा है कि क्या करना है। भाई शोर भी बहुत था, तो मैं मेरे से सही तरह बोला भी नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मैं अंदर आ गया हूँ। और अब मेरे ख्याल से आपको आवाज़ थोड़ी मेरी क्लियर आ रही होगी। और तो टाइगर निकालने से पहले मैं आपको अपने शोरूम पे दिखाता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है। और किसी ने कोई गाड़ी ख़रीदनी हो तो इधर जो है ना मौलाना शौकत अली रोड पर कार्स किंगडम के नाम से शोरूम है, तो इधर आ सकता है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियाँ कौन सी खड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये मर्सिडीज़ खड़ी है, ये जैपनीज़ यारिस खड़ी हुई है, ये तो सबको पता होगा। ये जो है ना ये आजकल जो है ट्रेंडिंग पे है गाड़ी, मतलब हर बच्चे बच्चे को इसका इस गाड़ी का पता है। बल्कि मुझे आपने कमेंट में बताना है कि ये कौन सी गाड़ी है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है। मैं नहीं इसका नाम बताऊँगा, तो मुझे सब ने जो है ना कमेंट में बताना है कि इसका नाम क्या है। और हो सकता है मैं उसको कोई गिफ्ट भी करूँ, जिस जो जो कमेंट में बताएगा उसमें से किसी एक को, सबको नहीं किसी एक को मैं कोई ना कोई चीज़ भी गिफ्ट करूँगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिफ्ट कर सकता हूँ, मैं तो पानी की मैं नहीं नहीं आईफोन तो मैं नहीं दे सकता, मैं शेयर लाइन कब गिफ्ट कर सकता हूँ। तो आप भी कमेंट कर देना, आपकी भी बारी आ जाए। मैंने दो से तीन बार ऐसा हुआ है कि मैंने लाइन कब गिफ्ट किया है, मतलब अपने फैंस में से किसी को भी ऐसा होता है, मतलब दो तीन बार मौका ऐसा आया है कि मैंने गिफ्ट किया है। तो मैंने व्लॉग भी एक बंदे के साथ, तो मैंने व्लॉग भी बनाया था जब मैंने गिफ्ट किया था। तो आगे मैं दिखाता हूँ कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उधर खड़ी हुई है ये वाइट कलर में पोर्शे टाइकन खड़ी हुई है, और इस जगह पे इधर आगे आ जाएँ तो ये देखें जी ये टेस्ला खड़ी हुई है, ब्लैक कलर में टेस्ला है। उसके बाद यहाँ पे ऑडी है, और वहाँ पे IX BMW IX3 है। उसके बाद टेस्ला खड़ी हुई है, आगे चले ज़रा। अहमद आपकी जो है ना ये जो है ना ये खुश हो रहा होगा कि मेरी थोड़ी जान छूट रही है, लेकिन मैं जान नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको टाइगर लाजमी पकड़ाऊंगा। क्योंकि मैं इतनी दूर लेके आया हूँ गाड़ी में रख के, तो मैं इसको जो है ना इसकी जान जल्दी नहीं छोड़ूंगा, इसको मैंने टाइगर इसकी गोद में बिठाना आज। तो आपकी फेवरेट ये जो है ना मर्सिडीज़ एस क्लास, फेवरेट तो सारी गाड़ियाँ ही हैं मेरी। और इससे आगे आए तो BMW 3 सीरीज़ है, ये भी टेस्ला खड़ी हुई है परफॉर्मेंस पैकेज, वो आगे भी सी क्लास खड़ी हुई है। और उसके बाद ये भी प्राडो खड़ी हुई है, वो भी प्राडो खड़ी है। उसके बाद लेक्सिस पीछे खड़ी हुई है, वो एंड पे लेक्सिस खड़ी है। यहाँ पे भी ये देखें जी
लैंड क्रूजर ZX खड़ी हुई है और बस गाड़ियां तो पूरी हो गई। ऊपर भी कुछ गाड़ियां थी लेकिन वो किसी वजह से हमने शिफ्ट की हुई है। वीडियो तो अहमद फिर कोई वीडियो नहीं, अभी ख़त्म होगी। अहमद को मैंने जो है ना टाइगर पकड़ा के ही चैन लेना। अब तो अहमद मैं निकालने लगा हूँ तो देख लेना फिर आप। जगह तो हाँ कम ही है। ये जो है ना हमारा शोरूम फुल है, मतलब जगह नहीं थी इधर। आगे भी गाड़ी फ्रंट पर खड़ी हुई है क्योंकि शोरूम बंद होने का टाइम है, तो इस वजह से हमने पहले ही गाड़ियाँ पैक कर दी थी। हमने कहा चलो अब टाइगर तो आई है तो फिर मैं व्लॉग भी बना लेता हूँ। ये मुझे बड़े चैलेंज करता है ना, तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं दिखाता हूँ कि कितना ये जो है ना मतलब मुझे तंग करता है। तो अहमद भी रेडी हो, निकालूँ वाइट टाइगर को मैं। तो वाइट टाइगर से तो वैसे मैं भी डरता हूँ, नहीं काटता यार अहमद। तो फाइनली जी मैं अब इसको निकालने लगा हूँ। अहमद रेडी हो ना, ये तो चले जी ठीक है निकाल लेते हैं। ना ना उसको डराओ ना, चलाओ शूटर बाहर आओ। अभी ये शूटर अपनी मर्जी से ही बाहर आएगा, ये देखें। अभी ऐसा ऐसा जब इसको लगेगा ना मेरा माहौल यहाँ पे ठीक है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तो ये खुद ही आ जाएगा बाहर। इधर आओ शूटर, आ जा। ये देखें ये करीब से ज़रा इसको, ये अंदर बैठा हुआ है, ज़रा डरा हुआ है और अभी वो डरा हुआ है थोड़ा सा ना, तो इसलिए बाहर नहीं आ रहा। ये तो नहीं नहीं भाई, अब मैं लेके आया हूँ, आपने मुझे चैलेंज भी किया है तो मैंने जो है ना अब इसको निकालना ही निकालना है। चलो अभी तो लग रहा था कि छोटा होगा, छोटा तो है भाई इतना ही होता है। मैंने आपको बताया था 4-5 महीने का, तो ठीक था। ये तो शूटर का मैं निकालता हूँ अब, लेकिन ये निकलना खुद भी नहीं चाह रहा, मैं कैसे निकालूँ इसको भाई। चलो आओ शूटर बाहर, चलो आ जाओ, चलो शूटर आ जाओ बाहर, आ जाओ यार। मान ली एक बात, हाँ जी जगह भी तंग है, निकल भी आया तो दोबारा ऊपर चलते हैं भाई। आपको मैंने अभी पकड़ाना है, पकड़ना क्या नहीं पकड़ना यार, पकड़ते हैं यार। यार क्यों बहाने लगा रहे हो यार, शूटर ये देखें ये जी, इसके बहाने खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। चले मैं पहले ऐसा भी करता हूँ कि मैं इसकी मान लेता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो यहाँ पे कंजेस्टेड जगह थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये काबू भी नहीं आएगा और इसके भी खड़े मतलब हमारे भी खड़े होने की जगह कम है क्योंकि गाड़ियाँ फुल हैं। तो इसका फिर मैं ये भी बहाना पूरा कर देता हूँ, मैं ऊपर ले जाता हूँ, देखते हैं कि ऊपर जाके भी पकड़ता है कि नहीं। ठीक है ना, पक्की बात है। हाँ ऊपर जाके ये जी सब वीडियो देख रहे हैं, ये ऊपर जाके ये लाजमी पकड़ेगा। तो मैं फिर ये टाइगर को मैं ऊपर लेके जाने लगा हूँ और देखते हैं फिर ये क्या करता है। चलें फिर चलो ये जी, अब हम शोरूम के ऊपर वाले पोर्शन पर आ चुके हुए हैं। ये देखें अब मैं इसके शूटर के पास खड़ा हूँ, अहमद दूर है। अहमद साहब आ जाओ अब जो है ना, आप मुझे नीचे पड़ा गया था कि जी नीचे तंग जगह है और नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब खुली जगह नहीं है, तो ऊपर ले आओ। अब आओ ज़रा पास, अब मैं बल्कि पकड़ गया। चलो ना जाओ भाई, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता भाई, आओ तो सही। कुछ यार बच्चा है वो डरी जा रहे हो आपसे भाई, आओ मैं आपको कह रहा हूँ ना। हाँ लगाओ यार, लगाओ ये देखिए जी, ये मुझे जो है ना मुझे चैलेंज करके बुला रखा था इसको, तो मैं बड़े आराम से पकड़ूंगा बैठूंगा। अब देखें इसका हाल क्या हुआ है, हालांकि वो बेचारा देखे बड़े आराम से बैठा हुआ है, वो कुछ कह ही नहीं रहा और अहमद ऐसे डर है जैसे पता नहीं कितना बड़ा है। रॉकी के पास वो बड़े जो है ना हंस के जाते थे, रॉकी टेम था, ये टेम नहीं है, एकदम से मुँह खोल लेता, मुँह खोल लेता तो वो बेचारा सांस ले रहा है इस वजह से मुँह खोल रहा है। ये देखो कुछ कह रहा हूँ तो भाई उसको प्यार करो ना जी। अहमद यहाँ पे फेल हो चुका हुआ है, अहमद ने मुझे बड़ा चैलेंज करके बुलाया था। दो फहीम भाई हैं, फहीम भाई कह रहे हैं इसको गुदगुदी करो, इसको जब गुदगुदी करेगा तो ये फिर वाकई बाइट करेगा, वो देखें भाग के अहमद से। चलो यार अहमद आ जाओ यार चलो मैं पकड़ता हूँ इसको, प्यार करो, चलो करो करो प्यार करो। फाइनली हाँ क्या हुआ अहमद यार, इतने डरपोक हो यार। नो शूटर, नो 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 अहमद जी, ये देखें इतना ज़्यादा डर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डरेगा। हालांकि ये रॉकी के पास जाता था और रॉकी को प्यार भी करता था, रॉकी काफ़ी बड़े साइज का था। अब ये देखें फिर डर जा रहा है, और ये देखें ये छोटा सा है, 4-5 महीने का बच्चा है, इसे अहमद ऐसे डर रहा है जैसे पता नहीं कोई 3-4 साल का जो है ना वो टाइगर हो। तो जो है ना मैं अब मैंने तो हार मान लिया इसको, मैं अहमद अब मैं व्लॉग एंड करने लगा हूँ, और आपने इसको हार नहीं लगाना, नहीं लगाना ना, बस ठीक है। और आइंदा मुझे आपने कहना नहीं कि टाइगर लेके आओ या लाइन लेके आओ,
अब जी इसकी नई फरमाइश है कि ये काटता है दूसरा लेके आए, हालांकि वो काट नहीं रहा। चलो किसी दिन मैं जो है ना दूसरा भी ले आऊँगा, उस पर भी आपको चेक कर लूँगा कि आप हाथ लगाते हो कि नहीं। ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। अब इसने नया चैलेंज कर दिया कि जी हाँ नहीं, चलो छोड़ो, इसने नहीं करना। तो इसने नया मुझे चैलेंज कर दिया, मैं दूसरा कोई शेर लाऊंगा और इसके पास लेके आऊँगा, मैं देखूँगा ये प्यार करता है कि नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।